हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वन। होप सबैजना स्वस्थ नेपालकै हुनुहुन्छ होला। महानायक र भर्सेस आजको भिडियोमा भारतकै हामी महानायक। यस्तो भिडियोको चाहिँ रियाक्सन गर्दैछौँ, तपाईँहरूले फुल्ली मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ है। र मैले पनि पहिलोचोटि नै हेर्दैछु, कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको आफ्नो कमेन्ट चाहिँ राख्न नभुल्नु होला, ताकि मैले चाहिँ त्यही सम्बन्धी चाहिँ अरू पनि भिडियो ल्याउन सकौँ होइन। तपाईँहरूको माया सपोर्टले गर्दा अगाडि बढिरहेकै छु, अझै माया गरिदिनु होला नमस्कार मेरो एक दोस्तों, आज लाइफमा के इस वापस वीडियो में फिर्ने हम बेला। बात करने वाले हैं नेपाल के के भन्नु चाहेंगे महानायक मान्छेले? वर्सेस भारत के महानायक, यानी नेपाली सुपरस्टार हेलो राजेश हमाल सुनील और भारतीय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के कंपेयर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हो सकता है बहुत सारे इंडियन मित्र को ये वीडियो देखकर कुछ सही अच्छा ना सही लगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल रह के बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा कि असली में महानायक कौन है। तो चलिए दोस्तों, कौन ए इन्डियाको मान्छे मान्छे मान्छ यार, अहिले नेपाल के भइरहेछ? भारत के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं, तो दोस्तों नेपाल की महानायक राजेश हमाल जी हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों की उम्र में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिल्मों की बात करें और उपाधि की बात करें तो दोनों एक दूसरे की कंपेटिटर है। दोस्तों यहाँ पर हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अमिताभ बच्चन ने कितने फिल्म दिए हैं, कितने फ्लॉप हुए हैं, राजेश हमाल ने कितने फिल्म किए थे, कितने फ्लॉप हुए हैं, और ओवरऑल आप लोगों को यह जानकारी मिल जाएगा कि महानायक कौन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन जी से। अमिताभ 21 वर्ष बच्चन का जी हो ने गया। सही अपने है, अभी तक के फिल्मी करियर में 153 बाप मूवी किया है, जिसमें 29 मूवी फ्लॉप है तो 42 मूवी हिट है, और बाकी के फिल्म सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर है। सुपर दोस्तों हिट। वहीं पर बात करें राजेश हमाल यानी नेपाली महानायक राजेश हमाल की फिल्म के बारे में, तो दोस्तों उन्होंने अभी तक के अपने फिल्मी करियर में 234 मूवी किया है। या दोस्तों उन्होंने अभी तक 234 मूवी, यानी यहीं पर मूवी की कंपेयर किया जाए तो भारतीय महानायक से ज्यादा मूवी किया है नेपाल के महानायक राजेश हमाल ने। जी हाँ दोस्तों, आगे की बात करते हैं तो उन्होंने अभी तक केवल सिर्फ 13 मूवीज फ्लॉप दिए हैं, 13 मूवी उन्होंने सिर्फ ये तो फ्लॉप तेरे दिए चाले की हैं, मूवी। बाकी की 109 मूवी हिट है, और बाकी के जितने भी फिल्म उनकी बचते हैं वो सुपर हिट है या तो ब्लॉकबस्टर है, ऑल टाइम हिट है दोस्तों। तो यहां पर साफ साफ नजर आता है कि अमिताभ बच्चन पर राजेश हमाल जी भारी पड़ रहे हैं, यहां पर मूवी की संख्या में हो चाहे हिट की संख्या में हो। दोस्तों अमिताभ बच्चन की फर्स्ट मूवी थी सात हिंदुस्तानी, जो कि पहला ही मूवी अमिताभ बच्चन सर की मूवी फ्लॉप रही थी, यानी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर करें नेपाली महानायक राजेश हमाल जी फ्लॉप की मूवी से, तो उनका पहला मूवी थी युग देखी युग समा, जो मूवी बहुत ही बम्पर हिट रही थी, सुपर हिट रही थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। बात यहीं पर नहीं रुकती है दोस्तों, अब आगे की भी बात कर लेते हैं थोड़ा कि अमिताभ बच्चन सर की फिल्म की करियर जो तो है सही है 5 साल ना, के उसको शुरू की जो टाउक 5 साल है स्टार्टिंग पोस्टर की, रहता है मात्र एकदम उसमें टेस्ट सिर्फ डिग्री में दो दे फिल्में रहे हो हिट रही पहला फिल्म थी। टेस्ट जो चौथा मूवी है। थी 5 साल में उन्होंने कुल 16 मूवी किया था, 16 में दो मूवी हिट रही थी, बाकी 14 मूवी उनकी फ्लॉप रही थी। जो मूवी में से आप लोगों को बता दे रहा हूं कि हिट रही थी जंजीर और आनंद, जो मूवी हिट रही थी, और बाकी के 14 फिल्म फ्लॉप रही थी 5 साल के करियर में दोस्तों शुरू के। वहीं पर बात करें नेपाल के महानायक राजेश हमाल की, तो दोस्तों उन्होंने जब अपना फर्स्ट मूवी किया युग देखी अब युग टिकट है समा, था उसके डॉक्टर बाद डॉक्टर में जैसे उन्हें होना चाहिए। कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा, यानी उन्हें कभी फ्लॉप का सामना उस शुरुआती पीरियड में नहीं करना पड़ा। दोस्तों अभी तक आपने तो सिर्फ दोनों में ह्यूज डिफरेंस देखा कि दोनों महानायक में डिफरेंस कितना है, लेकिन अब थोड़ा समानता की बात करते हैं जो दोनों बराबरी के रूप में काम करते हैं। अमिताभ बच्चन सर भी केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति कह के एक टीवी शो पे काम करते हैं, तो वहीं पर नेपाली महानायक राजेश हमाल जी भी
वही सेम प्रोग्राम नेपाली लैंग्वेज में चलाते हैं, को बंसा करोड़पति दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, समान रूप में हैं। दोस्तों इस वीडियो की अंत में अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिससे आप लोग काफी हद तक ये तय कर पाओगे कि महानायक क्या होता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होता है। दरअसल दोस्तों अमिताभ बच्चन जी ने एक मूवी कॉरपोरेशन खोला था, ABCL कह के था, जो अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन कुछ कह के ऐसा था, जिसमें मूवी प्रोड्यूस होता था। और अमिताभ बच्चन जी ने इतना ज्यादा पैसा वेस्ट कर दिया फिल्म बनाने के लिए कि बाद में उन्हें बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक घर के अलावा उनके पास बैंक में कुछ भी बैलेंस नहीं रहा था, मतलब टोटली कंगाल हो चुके थे अमिताभ बच्चन जी। नहीं और छैन छैन जब उन्होंने इस हालत से फेसिंग कर रहे दोस्तों, थे, जया गुजर रहे थे, तो कंकाल के उन्होंने नीचे उस लाई थी। दौर में दोस्तों बहुत ही गंदे गंदे वाले फिल्म किए, जैसे कि बूम मूवी किया, जो बी ग्रेड की मूवी थी, जिसे आप लोग एडल्ट मूवी भी कह सकते हो, छोटे बच्चे भी नहीं देख सकते हैं, इतने खराब वीडियोस, विजुअल ग्राफिक, सेक्सुअल कंटेक्ट वाला, मतलब कि वो फिल्म था अमिताभ बच्चन जी का बूम मूवी, जिसमें कैटरीना कैफ का डेब्यू हुआ था। तो दोस्तों पैसे की कमी के कारण एक महानायक ने बी ग्रेड मूवी में भी काम किया है, लेकिन ऐसा हालत नेपाल के महानायक और तो राजेश क्लियर हेमाल भी के नहीं साथ दिया नहीं है। नेपाल उन्होंने को, अभी तक अरे कोई भी बी ग्रेड भगवान मूवी के में सिरे काम शिव नहीं शिव किया है, शरण ना तो वो तो ये अश्लीलता को कंपेयर प्रचार तो प्रसार रहने को करते नहीं हैं, थे ना ना तो महानायक अश्लील लेवल। मूवी में वो अरे काम तो भी करना इंडिया का चाहते अमिताभ हैं। बच्चन तो साहब दोस्तों ये वो है डिफरेंस एकदम ही नेपाली कंपीट महानायक वर्सेस करने भारतीय महानायक। वाले कंडीशन आए। ऑल राइट गाइस, हमने भिडियो पनि हेऱ्यौँ होइन, यस्तै भिडियो हेर्न मन छ, यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भनेदेखि आजै जोडिनु होला हामीसँग है, ताकि तपाईँहरूले अर्कोचोटि हामीले चाहिँ भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले मिस न भनौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ मिस नहोस्। त्यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टले गर्दा आज यहाँसम्म आउने तपाईँहरूले बाटो बनाइदिनु भएको छ होइन। मेरो लागि तपाईँहरू भनौँ न एउटा भगवान् शरणै हो, त्यो भएर तपाईँहरूको माया सपोर्टको म जहिले पनि त्यो एउटा आशा राख्छु, तपाईँहरूबाट मैले पाइराखेकी छु। र यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि हामी अर्को उसमा चाहिँ भेट्ने नै छौँ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, खुसी रहनुहोला, सुखी रहनुहोला।